आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए अपने के क्या करा कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन देन टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 2,5 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अपने के पास क्या करा, ये पैराबोला इस पॉइंट पे, इस पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालिए। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका अपने पास ग्राफ बना सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा। तो ये रहा अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास वाई एक्सिस को सीधा कर लेंगे बाद में, और ये रहा अपने पास कौन सा एक्स एक्सिस बराबर वाई एक्सिस को अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। थोड़ा क्या, बहुत टेढ़ा है। दिया गया अपने पास सीधा आ गया इस x एक्सिस। तो यहां से अपने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब क्या होता है कि अपने क्या इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए और इसको वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। तो चलिए इसको वन यूनिट शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने क्या ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, हाँ या ना, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनते, थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए यार। ये अपने क्या कुछ ग्राफ बन गया ऐसा। यह आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, एक्स प्लस वन, और इसको अपने पास वन यूनिट शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे अपने पास अभी भी नहीं बना, अच्छा सा बनना चाहिए ग्राफ, ठीक है, ताकि फील तो आए। तब बोलते हैं कि मैथ्स में फील नहीं आते, मैथ्स में फील आएंगे कैसे, जब अपने पास अच्छे से बनाएंगे तब तो फील आएंगे। ये अपने पास ग्राफ बन गया बराबर। चलिए अपने पास जैसा बन गया रहने दीजिए। अब अपने पास अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट की पॉइंट अगर आप इसको मानते हैं तो 2,5 इस पे ही है। किस पे लाई कर रहा है, इस पे ही लाई कर रहा है। किस पे, तो इस पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, यानी 2,5 अपने क्या यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इस पैराबोला पे अपने क्या जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस टेंजेंट का अपने क्या क्या कह रहा है, इस टेंजेंट का अपने पास इस टेंजेंट के साथ अपने पास क्या निकालना है, तो बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना। पहले टेंजेंट बना लेते इस पॉइंट पे, तो ये अपने क्या टेंजेंट आ गया। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। ये आपने के पास टेंजेंट लगना भी चाहिए, तो ये आ गया टेंजेंट के बराबर। अब आपने के पास क्या कर रहा है, टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आपने के पास जो बाउंड्री रीजन उस रीजन का एरिया बताए, तो ये मान लेते कि इस पे टेंजेंट है, तो इस रीजन का अपने पास एरिया निकालने के लिए कह रहा है। बताइए कैसे आएंगे, तो ये रीजन का एरिया बताएं कैसे आएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साथ आपने के पास, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी माने, जो कि पॉइंट अपने के किसके बराबर है, 2,5 के बराबर है, जो कि अपने के इस पैराबोला पे सेटिस्फाई करा है, ठीक है। तो अपने के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस पैराबोला पे, अगर ये पॉइंट अपने के सेटिस्फाई कर रहा है और कोई 2 डिग्री का कर्व है और वो पॉइंट उसी डिग्री पे, उसी जो अपने के इक्वेशन है उसी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्ट अपने के इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वाई प्लस 5 और अपॉन 2 और इक्वल टू आ गया अपने के पास एक्स इंटू एक्स 1, तो 2 एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स वन के बराबर, यही अपने पैराबोला का इक्वेशन, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। एक्स प्लस 5 इक्वल टू आ गया अपने पास 4x प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 4x और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर। तो ये जो अपने पैरा, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, कौन से टेंजेंट, तो इस वाले टेंजेंट का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 4x माइनस 3 के बराबर। अगर आपको ये फॉर्मेट याद नहीं है, ये अपने पास याद नहीं है, तो आप अपने पास इससे क्या कीजिए, सबसे पहले dy अपॉन dx करके स्लोप निकालिए, फिर स्लोप और पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट निकाल लीजिएगा, काफी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग कहेगा कि इस साल के सिलेबस में अब तो ये टेंजेंट नॉर्मल तो हट ही गया, अरे टेंजेंट नॉर्मल हट गया, बोलेगा कि इसको ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टेंजेंट नॉर्मल निकाल कर सॉल्व किए, बोलेगा कि ऐसे निकाल कर सॉल्व कराओ, फिर तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल तो पढ़ के ही जाइएगा। तो ये आ गया अपने के पास। अब अपने के पास बताइए, तो ये अपने के पास कर्व कौन से, तो ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर। अब अपने के पास इसका रिक्वायर्ड जो एरिया है इसको ए मान लेते हैं, तो ए अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे, ए आ जाएंगे इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के कहां तक, तो जीरो से लेकर के अपने के पास 2 तक, जीरो से लेकर के नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, इसमें अपने के पास वाई में ले जाइए, वाई में ले जाइएगा ना तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक्स में ले जाएगा तो 2 जगह से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से लेकर के यहां तक अलग कर्व है और यहां से अलग कर्व है, वाई में ही ले जाइए। तो ये पॉइंट बताएं, ये पॉइंट अपने पास 5 हो जाएंगे और ये फिर भी अपने पास 2 जगह सॉल्व करना पड़ेगा, बाबा कोई चारा नहीं है, 2 पॉइंट अपने पास निकालना ही पड़ेगा। तो यहां से अपने के पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बताएं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, तो बताइए किसके बराबर जाएंगे, ये जो अपने पास लाइन है ये कट कहां पे करेगा, ये लाइन जहां पे कट करेगा वो अपने पास पॉइंट हो जाएंगे। ये पॉइंट बताइए, इस पॉइंट पे अपने पास एक्स वाई इक्वल टू जीरो डालिए, वाई इक्वल टू जीरो डालेंगे तो एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 3/4 के बराबर।
तो ये जो पॉइंट आ जाएगा अपने पास 3/4 के बराबर, हाँ या ना। x इक्वल टू जीरो डाल दीजिए, y इक्वल टू जीरो डाल दीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3/4। तो इंटीग्रेशन इसको अपने पास a नहीं मानना पड़ेगा, इस बार a अपने पास कुछ और है, कुछ और है तो है क्या, ठीक है। अब अपने पास इसको क्या मान लीजिए, a मान लेते हैं, और इसको अपने के क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए तो जीरो से लेकर के 3/4 तक अपने पास कुछ और आ जाएंगे, और अपने के पास 3/4 से लेकर के अपने पास 2 तक कुछ और आ जाएंगे, बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपने पास आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां से ए जो आ जाएंगे अपने पास 0 से लेकर के 3/4 और माइनस टाइम्स 0 से लेकर 3/4 अपर कर्व, अपर कर्व अपने पास किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। तो यहां से आगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर इंटू आगे अपने पास डी एक्स के बराबर, और अब इनके पास b निकाले, तो b अब इनके पास किस तरह जाएगा, तो इंटीग्रेशन 3/4 से लेकर के कहां तक, तो अब इसी से बात है कि 2 तक, 3/4 से लेकर के ये अब इनके पास ये पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना, तो 3/4 से लेकर के 2 तक। तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू कौन से पॉइंट हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 तक। तो 3/4 से लेकर के 2 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, माइनस टाइम्स लोअर कर्व, लोअर कर्व 4x माइनस 3 के बराबर, तो लोअर कर्व हो जाएंगे 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 के बराबर इंटू डी एक्स के बराबर। अगर आप बी नहीं निकालना चाहते तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, तो अपने पास इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, और अपने पास एक ही बार में इंटीग्रेट करके बनाया जा सकता है, पता है कैसे, इसलिए अपने पास डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करते हैं। ये अपने पास हटाइए, ये भी हटाइए और ये भी हटाइए, ठीक है, ये सारे हटाइए, ये अपने के पास क्या कीजिए, डायरेक्ट अपने के पास इंटीग्रेट कीजिए, कैसे, तो ये अपने के पास इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस रीजन का एरिया अपने के पास ए मान लेते हैं इसको, ए तो अपने के पास रहने दीजिए, जीरो से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक। और अपने के पास अगर आप गौर से देखते हो तो इसमें अपने के पास बी एरिया घटा दीजिए, ठीक है, ये अपने के पास एरिया, ये पूरे एरिया में से अपने के पास क्या आ गया, बी घटा दीजिए, तो यहां से अपने के पास ए किसके बराबर जाएंगे, ए आ जाएंगे अपने के पास एरिया ऑफ दिस और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। निकाल सकते क्या, ये जो बी है अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे, तो ए एरिया जो आगे आ जाएंगे अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, टोटल एरिया में से, यानी तो ए भी लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएंगे, यहाँ से कुछ और लिख दीजिए यहाँ से, तो यानी तो अपने पास इसमें डायरेक्ट ये लिख दीजिए फाइनल आंसर, जो अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर है, रिक्वायर्ड पार्ट, रिक्वायर्ड पार्ट का जो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट अपने पास किस बराबर, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ दिस किस बराबर आ जाएंगे, तो यह एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के किसके बराबर होते हैं, एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस टाइम्स एक्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दीजिए, तो 0 और 2 के बराबर, बराबर इसमें कोई दिक्कत। और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट अगर आप गौर से देखते हो तो हाइट तो अपने 5 के बराबर आ गया, बेस अपने के किसके बराबर आ गया 2 माइनस ये आ गया अपने के बेस जो आएंगे ना मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3/4 के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि ये जो पॉइंट निकाली अपने के एक्स इक्वल टू 3/4 यही वाले तो पॉइंट है, तो 2 में से आपने कहा ये वाला माइनस कर लीजिए, तो 2 माइनस 3/4 वही आपने कहा आंसर हो जाएंगे, बताएं, तो 2 3 4 2 8 8/3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने कहा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8 में से 3 जाएगा 5/4 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो यह आगे अपने कहा 3 2 6 6 8 6 14 14/3 के बराबर, माइनस टाइम से आ गया अपने कहा 5 6 25 25/8 के बराबर, बराबर यहां से सॉल्व किया, यहां से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने कहा 8 3 24 के बराबर, तो यह आ गया अपने 3 आ गया 3 6 4 24 3 अपने 8 3 24 तो 8 14 को अपने किससे मल्टीप्लाई 8 से, 8 6 32 8 8 3 11 तो 112 और माइनस टाइम्स 25 किया 75, तो यहां से 75 में से 12 में से 5 जाएगा 7 बचेंगे, और यहां से अपने 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, तो 37/24 के बराबर अपने क्या इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए 37/24 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 37/24 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा इनके करेक्ट आंसर। हम जो कर रहे थे वैसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पास वैसे में दिक्कत ये है कि आपको इंटीग्रेट ज्यादा करना पड़ जाता, तो अपने क्या किया कि रिक्वायर्ड पार्ट का जो एरिया है वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, टोटल में से अपने पास यहां से लेकर के यहां तक एरिया निकालेंगे तो ये वाले एरिया भी अपने पास काउंट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला एरिया तो अपने को चाहिए नहीं, ये वाला एरिया अपने पास क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने पास आसान क्वेश्चन, जे मेंस में आ रखा था 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स हैप्पी स्टिल द एंड गुड बाय।